अब हम लोग सीखने वाले हैं लेयर्स ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा का परत। देखिए मोस्टली जो त्वचा का जो परत होता है वह 7 होते हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसे बताएंगे जो आप आसानी से याद रखिएगा, क्लियर। अब देखिए लेयर्स ऑफ स्किन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट होता है इपीडर्मिस, ठीक है, इपीडर्मिस का मतलब होता है ऊपर का भाग, और दूसरा वाला होता है डर्मिस, ठीक है, यानी कि इस स्किन के नीचे वाला भाग। तो सबसे पहले आप इपीडर्मिस के बारे में जान लीजिए। देखिए इपीडर्मिस का मतलब होता है बाहरी परत, जो ये है ना, ये स्किन, इसका बाहरी, सबसे बाहरी वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं इपीडर्मिस, क्लियर। अब देखिए इसमें जो होता है ना, नो ब्लड, इसमें ब्लड नहीं होता है। अब कैसे आपको पता चलेगा, मान लीजिए कभी कभार अब हम लोग देखते हैं दीवार वगैरह से छिल जाते हैं तो ब्लड नहीं निकलता है, अगर स्किन के ऊपर थोड़ा सा छिल गया तो ब्लड नहीं निकलता है, तो बाहरी जो लेयर होते हैं स्किन के, ठीक है, उसी को हम इपीडर्मिस कहते हैं, ठीक है, और इसमें ब्लड नहीं होता है। मान लो अगर आप बहुत छोटा सा अगर आप यहाँ पर छेद भी कर दीजिएगा ना तो ब्लड नहीं आपको निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बाहरी लेयर होता है जो इपीडर्मिस होते हैं उसमें ब्लड होता ही नहीं है। दीवार वगैरह पर हम लोग चलते हैं कभी कभार ये छिल जाते हैं, साइकिल वगैरह से भी छिल जाता है तो खून नहीं निकलते हैं, ठीक है, ज़्यादा अगर छीलेंगे जब खून निकलेंगे, लेकिन ऊपर वाला लेयर छिलने से ब्लड नहीं निकलता है, डेट इज़ कॉल्ड इपीडर्मिस, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जो मोस्टली जो होता है इसी स्किन में होते हैं मेलानिन होता है, ठीक है, ये जो बाहरी लेयर होता है इसी पर मेलानिन होता है, और इसके इपीडर्मिस के 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही जानते हैं जिसको 5 लेयर्स को सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटम। जो डर्मिस का मतलब होता है आंतरिक चर्म, मतलब आंतरिक त्वचा, यानी कि ये जो स्किन है ना इसके अंदर वाला। देखिए आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से खींचिए तो आपको 2 पार्ट लगेंगे, तो सबसे वाले को इपीडर्मिस कहेंगे और उसके ठीक नीचे वाले को हम बोलते हैं डर्मिस, ठीक है। इसमें जो होता है इसमें एक ग्लैंड होता है, इसी में एक ग्लैंड होता है जो बिल्कुल पतला, बहुत ही पतला नस की तरह गया रहता है, जिससे हम लोग को स्वीट्स यानी कि पसीने निकलते हैं, समझ में आ गया। देख लीजिए अब आप समझते हो इसी पर बाल, देख रहे हो ये मेरे बॉडी में जो बाल हैं ये कैसे बाल हैं, ये इपीडर्मिस का ही बाल है, ठीक है। रोम आप जानते हो, रोम जिसको बोलते हैं गांव में बोलते हैं रोआ खड़े हो जाना, जब हम लोग को डर लगता है तो रोआ खड़े हो जाते हैं, बाल एकदम खड़े हो जाएंगे। मान लो ठंड के दिन है और ठंड के दिन में नहाना पड़े तो पहले ही बाल खड़े हो जाते हैं, तो ठंड से या डर से बाल जो खड़े हो जाते हैं तो वह डर्मिस ही पर होते हैं बाल खड़े, ठीक है, वह डर्मिस कहलाता है। बाल जो है ना ये नोचो यहाँ पर उठाओ, देखो ये क्या है, वो जो आ रहे हैं ना ये स्किन उठकर डबल लेयर वाले, उसको बोलते हैं हम लोग डर्मिस, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके भी 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है रेटिले और दूसरे होते हैं रेटिकुलर। इसके 2 लेयर्स होते हैं रेपिले और दूसरा क्या बोलते हैं रेटिकुलर, क्लियर। अब देख लीजिए इसमें जो होते हैं बहुत सारा यूजफुल होते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग जो घड़ी, ये देखिए ये लेदर का ये घड़ी है ना, ये फीते इसके या फिर बेल्ट वगैरह या जो शूज़ या फिर चप्पल वगैरह जो लेदर के मिलते हैं वह जानवर के एनिमल के डर्मिस का होता है, समझ में आ गया। बेल्ट वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, या फिर ये देखिए फीते लेदर के जो भी चीज़ मिलते हैं एक्चुअली वह एनिमल के डर्मिस का ही होता है पार्ट जो हम लोग पहनते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए स्किन की जो मोटाई होता है, अगर देखा जाए अगर आपसे कोई कह दिया कि स्किन का मोटाई कितना होता है तो आप क्या बोलिएगा, तो याद रखिएगा 0.2 mm से 2 mm तक होता है, इतना ही मोटा होता है, 0.2 mm से 2 mm तक मोटा होता है, सॉरी स्किन की जो मोटाई होता है 0.5 mm से 2 mm तक होता है, क्लियर। स्किन की जो मोटाई होती है कहाँ तक होता है, हाँ 0.5 mm से 2 mm तक होता है। अब देख लीजिए जो सबसे जो पतला जो स्किन होता है, अगर देखा जाए सबसे पतली स्किन होता है वह किस चीज़ का होता है, पलक का होता है, आपका ये पलक है ना ऊपर वाला पार्ट, ये सबसे पतला होता है, सबसे पतली स्किन। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बॉडी में सबसे पतली स्किन कौन सा है तो क्या बोलिएगा, ये आँख के ऊपर का जो पलक है इसका स्किन बहुत ही पतला होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे मोटा स्किन किसका होता है तो ये देख लीजिए, ये हथेली है ना हाथ का, ये हथेली इसका जो इससे ना स्किन मोटा होता है, पैर का जो नीचे का तलवा होता है, ये पैर है नीचे का जो तलवा होता है इसके भी स्किन मोटा होता है, ठीक है फुट। तो याद रखिएगा 2 चीज़ों के स्किन मोटे होते हैं, एक तो हथेली का हाथ के, ये हथेली का स्किन मोटा होता है, और फिर पैर के
तलवे का स्किन भी मोटा होता है, लेकिन पतला अगर होता है बॉडी में, पूरे बॉडी में अगर पतला जो लेयर होते हैं, सबसे पतली परत होता है, वह आँख के पलक का होता है। समझ में आ गया यहाँ तक जानकारी? अब इसके बाद नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएंगे, हम ईयर के बारे में बताएंगे, पूरी जानकारी हम आपको ईयर के बारे में देंगे। जब तक के लिए जय हिंद।